बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जी बोलिए सच्चा मुस्लिम, क्या कहना चाहेंगे आप? आज मेरी लकीर कैसी लग रही है बताइए। मुसलमान मालिक जी, मालिक जी बात यह है कि आपको अरे रुक जा सत्य, आपकी एक मैंने थंबनेल बनाया था ना, उसमें आपकी बेस्ट फोटो थी लकीर वाली, उसी को देख के पागल हो गए थे सत्य मुस्लिम उस दिन। नहीं मुझे जो है ना, मैं आपको पहले भी उस दिन बताया था, मैंने इसको बताया था कल परसों भी, कि हम वो मुसलमान नहीं है कि इसकी लकीर के पीछे आया, भी हमारी उम्र वो नहीं है, हम तो सिर्फ आप लोगों को ये समझाने आते हैं कि इस तरह ना किया करो। आपकी भी उम्र हो गई सही है जी की तरह, आप कभी नहीं काम करता। अच्छा चलो छोड़ो, फिर तो मैं तुमको डिस्काउंट चलो दोनों मेरे पास बेकार आए हैं, शायद इसी वजह से आते होंगे आप लोग, आप लोगों का काम नहीं होता शायद मालिक। सुन लो ये जो ये मुंशीगिरी कौन कर रहे, साथ में कौन बैठे, तेरा नाम क्या है मेरे भाई? हम मालिक के सहाबी है, मालिक के मजहब को मानने वाले। नहीं नहीं आपकी आवाज जानी पहचानी है मुझे, आप कौन थे? अरे आप रिश्ता भेजना है क्या उसको? आपने रिश्ता भेजना है उसको, आप मुझसे हाँ हाँ जी जी रिश्ता भेजना है। मैं ये कहता हूँ कि मुंशी लगाए हुए ना आपने, कौन है जो आपको आप लोग का दिफा करते? मैं ये कह रहा था मालिक को अपना प्रॉफिट मानते है यार, इस तरह की बातें करोगे तो इससे जो है आप लोग का उल्टा अपना नुकसान करोगे अपना। आप मानोगे प्रॉफिट मालिक को? मेरा कप खरीदेगा फीमेल प्रॉफिट, ये देखिए कितना बढ़िया कप है। हराम 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 नहीं है ये, हराम हराम। बढ़िया वाला कप सीखेंगे मिलेंगे, अभी हमारे सच्चा मुस्लिम आए हैं ये हमारा प्रमोट करेंगे राइट चैनल को, और आप जाकर पूरा मैं कहती हूँ जितनी आपने चीजें खरीदनी है जाके हराम चीजें खरीदें, हराम पढ़ें। अच्छा सच्चा मुस्लिम जी आप मेरे साथ ना कलमा पढ़े, पढ़ेंगे यार? क्या यार मलिक क्या आप इसके पढ़ेंगे कलमा बिठाया होते हैं? सुने तो इसके सब कलमा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे मलिक को प्रॉफिट माना आपको, मेरे साथ पढ़े आप, पढ़ेंगे आप? यार क्या हालत है वैसे, कोई हालत नहीं पढ़ेंगे। बोलिए सैयद भाई, सैयद भाई क्या हालत है ये, ये कैसे, ये क्या है सैयद भाई? गाइस देखिए आपने जाना है और हराम फैलाना है दुनिया में, हराम फैलाएंगे हम, जाके अपनी अपनी हराम प्रोडक्ट्स खरीदिए अभी अभी जाके, तकिया हो वही तो तकीर वाले तकिया, तकिया मैं कह रहा हूँ परसों, हाँ ये लकीर वाली तकिया, अरे रुक जा ये वाली तकिया दिखाई बीच वाली, नहीं यार पिलो दिखाई, पिलो 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 सुने तो सच्चा मुस्लिम जी आप कलमा पढ़े मेरे साथ, देखिए ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, बोलिए अरे पढ़िए तो, क्या बात है सर रख के सोने में तो और मजा आएगा, जन्नत सीधा। सैयद भाई सुनो सुनो सैयद भाई, ये होते एक्स मुस्लिम, ये एक्स मुस्लिम है सैयद चाचा ना ऑर्डर कर दिया है ये एक तक, ये आपको पता नहीं है सैयद चाचा भी एक्स मुस्लिम होने वाले हैं हमारे साथ, होंगे तो क्या हालत है यार वैसे आप लोग की, शर्म नाम सैयद चाचा को बुला दिया एक्स मुस्लिम, जब बंदे में शर्म खराब लग रही है मुझे इस वक्त, आपकी हालत खराब लग रही है तस्वीर देख देख के, सच्चे मुस्लिम तुम्हारा ईमान डगमगा रहा है, तुम दोनों का ईमान मैं खा जाऊंगी यहाँ पे, देखो दोनों दोनों मुसलमानों को मैंने लकीर दिखा दिखा के, तुमको पता है कितने तुमने गुनाह कमा लिए सिर्फ ये लाइन देखकर इस वक्त। दो जब बजाएंगे दो जब आराम से ये अपने इस भाई को दिखा दिए लकीर है, जो तेरा बेगैरत भाई जो तेरा बेटा हुए ना ऐसे, अगर भाई हो ना बेगैरत भाई होंगे ना, ये नहीं है
ये कौन है तेरा? फिर यार है, एक मिनट, फिर यार है भाई बहन भाई, आप लोग सुबह भाई बहन बनाते हो, रात को चार भाई पे घुस जाते हो आप लोग, वो सिस्टम है। यार है, मैं कह रहा हूँ यार है, मुझे पता है यार रखा हुआ है, यार रखा हुआ है, मुझे पता है वही वही तेरे काम आती है, तेरे काम आती है, तू क्यों नहीं मानेगा? मुझे पता है तेरे काम आती है, क्यों रहे हो यार? अगर वो मेरा यार भी है, तेरे को क्यों जलन हो रही है? मुझे इसलिए जलन हो रही है कि यार रखना अच्छी बात नहीं है ना, बगैर शादी के इस तरह के टका टक अच्छी बात नहीं है। लौंडिया रख सकते हैं या नहीं रख सकते? लौंडी रख सकते हैं या नहीं रख सकते? बिल्कुल नहीं, नहीं लौंडी ठीक है, लौंडी में कोई मसला नहीं है। हाँ लौंडी में मसला नहीं है। एक सेकंड सुनो, मैं दोबारा लेती हूँ स्ट्रीम में, जरा मुझे बात कर लेने दो। देखो भाई, जज्बात तो मेरे अंदर भी हैं, मैं सुन्नत फॉलो कर रही हूँ आपकी, जिस तरह से आपके रसूल ने करा था ना चीजें, मैं उन्हीं के गाइडलाइंस लेकर प्रोफेसी अपनी कर रही हूँ। तो मैं यार रखूँ, बॉयफ्रेंड रखूँ या हस्बैंड रखूँ, मैं चार साल से मुझे इजाजत है एक्चुअली, नहीं अच्छा। मैं चार भी नहीं, मैं तो कहती हूँ उससे भी ज्यादा होने चाहिए हमारे पास। दीनी भाई जल्दी आइए, आप भी आइए, दीनी भाई मजा आएगा, आप आइए जरा। अरे आप करो यार, तुम चलते हो दूसरे को मिल रही है, हाय मेरे का कुछ हो ही नहीं रहा, खड़ा भी नहीं होता, मैं क्या करूं, खत्म हो जाते हो यार, यू आर सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड। सच्चा मुस्लिम जी बोल दो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूंगी नहीं। महिला जी, महिला जी वो रियल है वो? ये तो अब आप अपनी अरे महिला जी वो रबर भी डाल सकते है ना, तो पूछ रहा हूँ इनके घर में डालते लगता है आजकल वो प्लास्टिक के, काश और अगर आपके माँ बाप ने यूज की होती ना तो आपको मुझे झेलना नहीं पड़ रहा होता इतने अरसे से। अरे भाई जब पूछ रहा हूँ भाई, हो सकता है वो रबर के भी होगा। सैयद भाई ये बूढ़ी औरत है, इसके जिस्म पे भी कोई टूटता भी नहीं है, वैसे शो कर रही है भाई। ये बूढ़ी है, बूढ़ी है भाई, तुम मेरे जिस्म पे थोड़ी टूट रहे हो। ना सुनो, ये लोग कितना बूढ़ी है। अरे सैयद भाई, अरे मैं बूढ़ी हूँ ना, मैं बूढ़ी हूँ ना, बैठ मिर्जा गालिब जी आइए। कैसे थूकते हैं मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे जिस्म पे नहीं थूकते, ये जो नीचे इनका छोटा, ये बहुत बड़ा है, ये नहीं, ये जो इनका जो नीचे होता है ना, ये यहाँ पे बैठते हैं और कहते हैं, ये ऐसे थूक रहे हैं। अच्छा मिर्जा गालिब जी आइए। और क्या सच्चा मुस्लिम यही कर रहा है, छू छू छू, और मुझे तो दिखाया ऐसे कंबल हिला रहा था अपना नीचे से, यार शर्म किया करो जी। आज के मेरी तरफ से सारे गुनाह तुम लोगों के ऊपर, फरिश्ते यार मालिक के में नकीब चेक कर रहे थे, जूम इन कर करके, और जूम करेंगे इसको हम। मैं तो चाहता हूँ काफी इसी तरह करे, मैं तो चाहता हूँ आप यही बोलती रहे और इस तरह ही करती रहे। पता है तुम यही चाहते हो, तुम थरकी हो आप। हाँ। तुम यही चाहोगे कि मैं यही दिखाऊं, तुम तो कहते हो और दिखाओ यार। अभी तू इतनी कमक है, तू नहीं समझ रही कि मैं क्यों चाहता हूँ ये, तेरी अकल तो तेरी अकल आधी भी नहीं है। This is called reverse psychology. This is called reverse psychology. तुम मेरे पे जो चलाना आते हो वो चलेगा नहीं। तुम मुझे कहोगे यार ये दिखा रही है वो दिखा रही है, मैं कहती हूँ कि नहीं मैं तो अभी कुछ नहीं दिखा रही, मैं तो बहुत कुछ छुपाया। फिर तुम कहते हो सब कुछ क्यों नहीं दिखा देती फिर, क्योंकि मैं फिर तुम समझते हो मैं सब कुछ दिखा दूंगी। अरे चक्कर में तू फ्री में सब कुछ देख भी लेगा। This is called reverse psychology. I know. सही है चाचा, भी इसी वजह से आते देखने आते हैं यार, आई नो। देखो मेरे बाल जो है ना, मैंने धूप में सफेद नहीं किए बेटा जी, देख लो देख लो, करीब से देख लो, सफेद हो गए। अरे बूढ़ा बोला भी है ना, तो फिर थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी करो, ये भी मुझको दो कि मेरे पास। अच्छा मिर्जा गालिब जी आइए जरा जी। मिर्जा गालिब जी, मिर्जा गालिब ये तो अभी बड़ा जो है ना इधर बोल रहा था मेरे साथ, बड़ा लड़ रहा था, अभी तो बोल ही नहीं रहे इधर। एक मिनट जी, दीनी भाई जी आप हो अब? हेलो, नहीं उसकी सिटी गुम हो गई है, इसको देख के मेरे, इसको देख के मालिश को, उसकी सिटी गुम हो गई।
तुम्हारे ऐसे की सीटी को मजा आती है तो फिर छोड़ो ना, अपनी बात करो ना, तुम क्या देखने आए हो, आंखें बंद करके बैठे हो इस वक्त। लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है जी यहाँ पे जी, दो दो उसके साथ बहुत प्रॉब्लम है, उसके साथ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत गुनाह मिलेंगे आज तुमको, बहुत गुने मिलेंगे दोनों को। देखो मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मैंने तो आंखें बंद की हुई है। आपने भी आंखें बंद की हुई है ना ऐसे मुस्लिमों की हालत देखो, मुस्लिमों की हालत जरा देखो, लुच्चा मुस्लिम, लुच्चा मुस्लिम, लुच्चा मुस्लिम। सबसे पहले देखो मुसलमानों की हालत देखो नागेंद्र भाई, सबसे पहले आप मुझे बताएं मेरी शुगर की शक्ल कैसी लग रही है। बहुत बढ़िया, ये सच्चा मुस्लिम जी की शक्ल। इतना गंदा यार, देखे मेरी शुगर की शक्ल पे इतना ना हंसे यार, ठीक है। सदके जावो, तू अपने सिस्टर को डिफेंड कर, तू अपने सिस्टर को, तू अपने सिस्टर को डिफेंड कर, ड्रामेबाजी ना कर। मेरे एक लकीर नहीं है यहाँ पर, वो तेरी, तेरी सिस्टर नंगी बेटी उसको डिफेंड कर। मेरा एक रिंकल है इसकी शक्ल देखो, ओ बेगैरत आदमी, ओ बेगैरत आदमी, बेगैरत बेगैरत आदमी यार, इस बेगैरत आदमी। चलो अब इससे ना थोड़े थोड़ा सा बात करते हैं हम भी, तो लुच्चा मुस्लिम, एक लाइन उसके बाद आप करिएगा यार। ऐसी शक्ल के साथ जब ये बाहर निकलता है ना, तो इसके मोहल्ले की कुतिया तो क्या, गधे बकरियां सब छुप जाती है क्या, हाय वो पेशाब ना करे इसकी शक्ल पे, इतनी गंदी शक्ल है तुम्हारी यार, शक्ल से हवस ही लग रहा है। शक्ति कपूर लग रहा है बबीता। खुश हो रहे हैं देखो, उसके भाई खुश हो रहे हैं कि हमारी सिस्टर क्या कर रही है, सही है। उसके भाई खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कोई हालत नहीं है वैसे यार। एक मुस्लिम मुस्लिम, अब तो जवाब दे दो दोस्त, अब तो जवाब दे दो कि अबू बकर आयशा के बेटे थे या बाप थे। तो पहले सिस्टर के जवाब तो देना, फिर बात करेंगे। अरे यार मेरे तुम्हारे दरमियान में बात हो रही है भाई, देखो तो मैं देखो मैं तो अपनी सुअर से शक्ल सामने रख के बात कर रहा हूँ, तुम तो अपनी शक्ल भी नहीं रख सकते। यार देखो भाई 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 देखो, मैंने अपनी सुअर की शक्ल, मैंने अपने सुअर की शक्ल भी सामने रखी है, और मैं नाम पढ़ो, मैं नाम क्या है, नाम क्या है मेरा, नाम क्या है भाई, लुच्चा मुस्लिम मेरा नाम क्या है, जरा देखो एक बार, लुच्चा मुस्लिम। अरे मेरा नाम तो पढ़ो यार, अरे मैं नाम पढ़ लो भाई, ये मैली भागने वाली है, भागने वाली है, लुच्चा मुस्लिम नाम पढ़ लो। ये लकीर शकीर अभी जो है, नागेंद्र भाई मेरा नाम क्या दिख रहा है, नागेंद्र भाई मेरा नाम क्या दिख रहा है, ये दफा के लिए अपने यार बुला लेते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने यार बुला लेती है, अपने यारों को बुला लेती है, ये तो इसकी हिम्मत है मैलीज। रखे है कि उसको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा आप बार बार सुअर कह रहे थे, सुअर बड़ा खूबसूरत जानवर होता है, ये है ये भेड़िया, ये इसकी शक्ल, और देखो नीचे इसकी शक्ल सेम होती है ना, और यहाँ मेरी लाइन तो इसके मुंह से ऐसे पानी निकलता है, उसी पानी से ये हिलाता है, और आंखें आंखें दो इंच बाहर आ जाती हैं, आंखें बाहर आई हुई है इसकी इस बार, बोलते रहो मैं तो साथ हूँ। मालिक की लाइन है, देखने आता हूँ मैं, मेरे को कोई कुतिया मुंह नहीं लगाती, तो बताओ यार क्या हालत है, मेरे को कोई कुतिया नहीं मिलवाती मुंह, मेरे को सेक्स नहीं मिलता, मेरा खड़ा नहीं होता यार, तू अपने आप किधर, हाउ आर यू अलाइव, हां तुम अपने आप जी कैसे रहे हो, डूब मरो चलो ऊपर पानी में, तुमको कोई भाई तेरे खुश हो रहे हैं, ये जो भाई तेरे में वैसे 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 सच्चा, वैसे मैं भी थोड़ा बोल दूं, सच्चा मुस्लिम की अगर मशीन नहीं काम करती लेकिन दुकान काम करती है, मैंने सुना ऐसा कुछ,
अच्छा तो बोलते रहो बोलते रहो। यही वीडियो तो हमने अपने यही वीडियो तो काट के हमने अपने 6 रुपए लगानी है कि मुस्लिमों की। अरे अपने घर पे चला दियो भाई, तुम अपने घर पे चला दियो यार, तुम चैनल पे क्यों चलाएगा? क्या बात कर रहे हो यार, यही तो वीडियो चाहिए। जब अपने घर पे चलाओगे तो तुम्हारी बीवी देखेगी तुम कहाँ हांड रहे थे, फिर वही पहले जाओगे, पिटाई हो जाएगी। लकीर देखने क्या थे? देख, देख। जरूर डालना कि महलेश ने जूम इन करी हुई है अपनी तस्वीर और मैं उसको मजे ले लेके देख रहा। वैसे सैयद भाई सही कह रहे थे, मसनू लग रही है सैयद भाई, ये वहां पे सही का प्लास्टिक प्लास्टिक लग रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं क्या? जहां में जाओ मैं इनको देख देख के, देखो इस लाइन को, अलमिया फरिश्तों नोटिस कर लो, ये दो मुसलमान बैठ के यहाँ पर दो तरबूज देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं। सैयद भाई सुनो सुनो, सैयद भाई तो अपने एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, देखो ये मुसलमान, ये मुसलमान अच्छे मुसलमान क्या हरकतें कर रहे हैं, लाइन ही देख रहे हैं। जो भाई जो है ना अपनी बहन के जो है ना इस तरह देख के खुश हो रहा हो, तालियां बजा रहा हो, मुझे तो उस पर जो है ना बड़ा वो होता है कि क्या किस वो किस लेवल का बंदा हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे तुम्हारे ऐसे लेवल का मेरा कोई भाई नहीं है, वो भाई मेरा कोई भाई नहीं है यहाँ पर। तुम्हें बड़ा शौक है भाई बनाने का, अपनी बहन के बना दो ना सारे भाई। मैंने क्या बोला, दिन में बहन भाई तो रात में चार भाई, ओके सो डोंट मैं नहीं बनाती हूँ भाई इसी वजह से, क्या पता किसी दिन मेरे किसी साथ शादी हो जाए। लो तुम तो मेरा पूरा पत्ता ही काट रहे हो सबके साथ। एलियाना उमर ने यहाँ पर समझ में आई ना, मत बोलो वरना फिर तुम्हारी बहन हो तुम्हारे बहनों ही तो तुम्हारी माँ तो तुम्हारी ननी तो तुम्हारी दादी को ऐसी जगह लेके जाऊंगी मैं, तुम फिर वापस नहीं ला सकोगे, ठीक है ना? तमीन बोलो आप। एलियाना उमर है शायद, वो उसने अपनी अपने भाई से शादी की थी ना इंडिया अमेरिका का सिटीजनशिप पाने के लिए। हाँ एलियाना उमर, यही इसलिए आपको भाई बनाना चाहता है भाई। ये शक्ल जो आपको दिख रही है, ये शक्ल जो है ये कजन मैरिज का नतीजा है, ये डिफॉर्म फेस है आपके सामने। अपनी बहन से शादी करोगे तो फिर ऐसी ही शक्लें आती हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं किसी की शक्ल का मजाक नहीं उड़ाती हूँ, मगर ये देखो ये अपनी कजन की शादी करने का नतीजा है, देख लो। अब देख लो फातिमा जी को ही मजा आ रहा है क्या? ऐसे बच्चे चाहिए तुम लोगों को फ्यूचर में? ऐसी जनरेशन घूमेगी यार, कोई मुंह नहीं लगाएगा, खुदा का खौफ करो। तो बड़ा अफसोस होता है इस तरह की जेना। मैं टट्टी लगाऊंगी एक तरफ और एक तरफ इनकी शक्ल लगाऊंगी, और मैं गारंटी के साथ बताती हूँ मेरे टट्टी में ज्यादा लाइक्स आने। मैंने इनकी तस्वीर सेव कर ली है, अब इनका मजा आएगा मुझे थंबनेल बनाने में, बहुत बढ़िया। धन्यवाद मिर्जा गालिब जी आपको इसकी फोटो देने के लिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए जहाँ जहाँ लुच्चा मुस्लिम, वैसे देखिए ये मैंने नाम रखा लकीर का फकीर, और ये बंदा अगर लकीर का फकीर नहीं होता ना तो मैं जलील होने के बाद यहाँ रुका नहीं होता यार। इतने जलील होने में तो यार अच्छे अच्छे क्या देख, और सुन अपनी बहन को देख, सिस्टर को देख, अपनी बेगैरत आदमी अपने सिस्टर को देख। म्यूट है म्यूट है म्यूट है म्यूट है। नहीं नहीं तुम्हारी तो मैं बहन भी नहीं, तो तुम क्यों देख रहे हो? चलो ये तो मुझे तुम खामा खाई का रिश्ता जोड़ रहे हो, मगर हमारी बहन इस तरह नहीं करती। नहीं नहीं हमारी बहन इस तरह कभी नहीं करेगी। बड़ा अफसोस, चारपाई भी लेके जाती है, वो दिखाती नहीं है सीधा, चारपाई भी लेके जाती है इनकी बहन। खुश भी हो रहे थे तेरा भाई, खुश भी हो रहे, देखो कितने खुश हो रहे। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, क्या कर रही है? तालियां बजाओ, फोटो तालियां बजाओ, तेरी भाई तेरी सिस्टर क्या कर रही है, जरा ताली बजाओ, ताली बजाओ। अभी गुनाह कमा रहे हैं ये लोग, ये सारों का, इन सारों के गुनाहों का ये टेस्ट होगा जब ये मरेंगे ना और कब्र में होंगे, तो वहां पर अल्लाह मियां और जब कयामत पे उठेंगे कहेंगे तुमने मालीज की लकीर उस दिन इतनी देर बैठ के क्यों देखी, और फिर इन कान के अंदर इतने इतने सरिये जाएंगे,
तूने कितने मिनट बैठ के पूछा था? अच्छा 60 मिनट, 60 सरिये अंदर 60 दफा टुक टुक। नहीं नहीं उसमें ना एडम ने कहा था कि माली जी, माली जी, एडम ने कहा था कि पिछवाड़े से जंजीर घुसे के मुंह से निकाल दी। आप भी आ जाओ माधुर इस्लाम, मैं चाह रही हूँ सारे गुनाह आज मैं आप लोगों के कमाऊंगा, के सारों के दोजख के दरवाजे खोल के बैठी हूँ यहाँ पर, सारे मुसलमानों को दोजख में डलवाऊंगी, तुम लोगों को सारे गुनाह मिल रहे हैं इस वक्त। आ जाओ इमाद, आप भी आ जाओ। क्या जेना सही हिंदू को एक्सपोज कर रही हो और एक्स मुस्लिमों को कि हिंदू क्या होते हैं? ये नहीं, मैं सही यही होते हैं, यही होते हैं, यही हिंदू होते हैं, यही हिंदू होते हैं। ना ना ना, मैं ये एक्सपोज कर रही हूँ कि इस्लाम कितना गंदा मजहब है और तुम लोग कितने ठरकी हो, यहाँ पे मजे लेने आते हो डबल टाइम। देखो सैयद जी की तो चुप करके बैठे, मैं सांप सूंघ गया उनको, कह रहे चुप हो जाओ, बस हिलाती रहो, चुप हो जाओ, कुछ भी बोलो मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। अगर 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 हिंदू बेगैरत ना होते तो अभी तक तेरे अंदर जो है ना उन्होंने रॉड दिया होता, लेकिन ये बेगैरत लोग। अरे चलना रॉड दिया होता, तुम्हें क्यों इतना शौक है रॉड लेने का? यहाँ देखो तो रॉड की बातें कर रहा होता, यानी क्या फ्रस्ट्रेशन है बेचारे यार। इसको मैं वायग्रा मैंने भेजनी है, चंदा इकट्ठा करते हैं, इसको वायग्रा भेजते हैं, या कोई कुतिया या गधा या कोई बेचारी बकरी हो उसको भेजते हैं ताकि इसकी फ्रस्ट्रेशन मिटे। अरे आज तो वो भी नहीं जरूरत यार, वो एक सेल्फ वो आती है, उसको लो और यूं यूं कर लो, बस खत्म हो जाती है यार। टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है, कम ऑन, अब तो फेक बट आते हैं, सब कुछ होता है। अगर तुम्हें पिछवाड़ा ज्यादा पसंद है, एवरीथिंग इज लाइक, आए शेयर करें, अभी यहाँ पे सारे मुसलमान बैठे हैं और आज हम एक्सपोज करेंगे कि मुसलमान कितने ठरकी होते हैं, ठीक है। लाइन देखने आते हैं यहाँ पर, इस बहाने इस्लाम को बचाने आए हैं। दैट इज नॉट, क्या हुआ, भाग गए? क्यों भाग गए यार, आ जाओ ना, चले गए, भाग गया। ओह माय गॉड, कोई बात तो नहीं। वैसे आपका आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, आप आते रहिएगा क्योंकि हमें यूनाइट होने की जरूरत है इन जैसों के खिलाफ और भी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में या इस बारे में कि ये लोग कितने ठरकी होते हैं, यहाँ आते हैं और इस तरह की गंदी बातें करते हैं, साथ में हिला भी रहे होते हैं, ये देखे जी, एक तो मेरी शक्ल सुअर सी है, ऊपर से मैं लकीर का फकीर, तो मैं तो सुअर से रहा, ठीक है। मैं गाली भी खाऊंगा, जलील भी होऊंगा और लकीर का फकीर बन के लकीर देखने भी आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा लकीर का फकीर। मगर आज उसने इतने गुनाह कमाए हैं, इसका हिसाब होगा। सैयद जी आप भी सोच लो, आप भी बैठे हो अभी तक यहाँ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो। नहीं, मैं आंखा बंद कर लेके बैठता हूँ। जलेबियां लेके आए थे लेकिन जलेबियां खिलाएंगे हमें? सही चाचा जी तो ये हमारे महान है, सही चुप करके बैठे थे अभी तक। जलेबी खिलानी है, हमने इनको वो हैलोपीनो मिर्च खिला दी है, वो भी ऊपर से नहीं नीचे से, अब जल गई है उसकी भी, जल गई इनकी, इनकी तो खैर छोड़ो, ये तो हमारी तरफ हो गए। सही है चाचा, आधा आ गए हमारी लाइन पे, छोड़ दी है, बस कुरान छोड़ना बाकी है, तो धीरे धीरे आ जाएंगे, हमारे सबसे ओल्डेस्ट एक्स मुस्लिम होंगे। सही है चाचा जी, अच्छा के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।